हाय, इस लेक्चर में मैं आपको वी रे डोम लाइट बताना चाहता हूँ। तो इस लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, सनलाइट है, इसको मैं इनेबल है, इसको यहाँ से मैं अनचेक कर देता हूँ तो डिसेबल्ड हो जाएगा। और एड प्रेस करते हैं तो ये जो मैप यूज़ कर रहा था वो भी मैं बंद कर देता हूँ। अभी मैं रेंडर चेक करता हूँ। अभी ये ब्लैक आएगा क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है इसमें। मैं डोम लाइट क्रिएट करता हूँ इसमें। इधर लाइट में जाता हूँ, वीरे में जाता हूँ। वीरे में सिंपल लाइट है ये वाली, वीरे लाइट। और यहाँ पर टाइप है लाइट के, मैं डोम लाइट में जाता हूँ। डोम लाइट में कहीं भी क्रिएट कर देता हूँ। पर्सपेक्टिव में देखते हैं, डोम लाइट कुछ ऐसी होती है, इसको कहीं पर भी प्लेस किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही लगाएं हम। अब मैं चेक करता हूँ तो थोड़ी सी लाइट आने लगी है इसमें डोम लाइट के कारण। और अब मैं SDRI ऑन कर देता हूँ एड प्रेस करके। अब चेक करता हूँ, कुछ भी असर नहीं हो रहा। डोम लाइट सिलेक्टेड है ऑलरेडी। मैं जाता हूँ इसके पैरामीटर में। इसमें टेक्सचर में नो मैप है तो ये जो बटन है इसको मैं ड्रैग करके इस बटन पर छोड़ देता हूँ और इंस्टेंस करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं इसको रेंडर चेक करता हूँ तो थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई है और SDRI अपना काम कर रहा है। SDRI चेंज कर लेता हूँ मैं। SDRI के लिए मैं स्लॉट में जाता हूँ, मटेरियल एडिटर में जाता हूँ, कॉम्पैक्ट मटेरियल में। इसमें ये SDRI ड्रैग करके यहाँ डाल देता हूँ। इंस्टेंस करता हूँ। और अभी ये वीरे स्काई लाइट है, मैं यहाँ पर SDRI डाल देता हूँ जनरल में बिट मैप और SDRI, ये वाली SDRI है इसमें। और इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, स्काई भी है और ग्राउंड भी है। और ये फुल SDRI है, मतलब कंप्लीट SDRI है। और मैं इसके ओपन करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ये जो पिंक एरिया जो बता रहा है ये यहाँ पर, इसका मतलब है कि लाइट सोर्स यहाँ से ही आएगा। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये वाली सेटिंग भी है, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके किया और इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं रेंडर चेक करता हूँ। तो कुछ ये डार्क हो गया है। मैप डाला है तो डार्क हो गया है। और अगर मैं सन को लेकर के इसका मल्टीप्लायर में 5 कर देता हूँ और अब रेंडर करता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ी। कैंसिल करता हूँ और थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ। तो ब्राइटनेस और बढ़ जाती है। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी आप लाइट का यूज़ कीजिए और अच्छे से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें सॉफ्ट शेडो भी दिखाई दे रही है। और पीछे ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं लाइट को रोटेट करता हूँ, मतलब कि अगर मैं इस लाइट को रोटेट करता हूँ
तो एचडीआरआई भी रोटेट होगा, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन होता है लॉक करने का, डोम लाइट लॉक टेक्सचर टू आइकन। अभी ये लॉक टेक्सचर हो गया है, अब मैं इसको रोटेट करूँगा। अब मैं रेंडर चेक करूँगा, तो ये देखिए पीछे बैकग्राउंड भी रोटेट हो गया है, लाइट के साथ उसको लॉक कर दिया है मैंने, तो बैकग्राउंड भी रोटेट हो गया है। और जैसा भी आपको जिधर से भी लाइट सोर्स चाहिए आप इसको रोटेट करके सेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी बढ़ा देता हूँ मैं, डोम लाइट की 10 है, मैं 25 कर लेता हूँ। अब रेंडर करता हूँ और ब्राइटनेस बढ़ गई है इसकी। इसके अलावा आपको और भी चेंजेस करना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, और यहाँ पर वी रे स्काई यूज़ कीजिए। अब देखिए रिजल्ट कितना ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया है। वी रे स्काई का भी अपनी लाइट होती है, और यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैंने 25 कर दिया है, मैं इसको 2 पर ही रहने देता हूँ। तो ये देखिए रिजल्ट इसका नॉर्मल रिजल्ट है। तो ये था डोम लाइट के बारे में लेक्चर। मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।